साथियों, मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी, विश्वकर्मा योजना, इसने भी नई संभावनाओं को जन्म दिया है। साथियों, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, उसके प्रति हम जितना ध्यान केंद्रित करेंगे दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, और इसलिए हम उन दिशा में, और मैं मानता हूं भारत के लिए टूरिज्म एक ऐसा एवेन्यू है जो गत शताब्दी में हमें कभी, यानी आज से लेकर के पीछे के 100 साल में कहूं, ऐसा अवसर नहीं मिला है जैसा आने वाले 25 साल में मिलने वाला है। दुनिया दुनिया भारत की तरफ मुड़ने वाली है। अब हमारा काम है, हम इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को विकसित करें, हमारी विरासत के प्रति हम, हमारा पर्यटन का विकास करते हुए एक विन विन सिचुएशन का हम फायदा उठाएं, और उसमें बहुत अधिक निवेश की संभावनाएं मैं देखता हूं। और ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर स्तर के लोग कमाते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी कमाता है और बड़ी बड़ी होटल वाला भी कमाता है, हर कोई इसमें कमाता है। और हमने टूरिज्म के हम बल देना चाहते हैं, बहुत पोटेंशियल है। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र खुले हैं, इसका फायदा उसको मिलता है, एयरवे हो, रेलवे हो, हमारे एक्सप्रेस वे हो, ये हमारा यातायात जितना बेहतर हो, और हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी का जो काम है, ये इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ग्राउंड तैयार कर रहा है और जिसका फायदा मिलने वाला है। और जो वोकल फॉर लोकल और रीजनल टूरिज्म, इसको एक बल देने का काम है। साथियों, अब दुनिया एक नए युग में प्रवेश रही है। जिस समय औद्योगिक क्रांति हुई, उस समय हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे, तो औद्योगिक क्रांति का जितना फायदा लेना चाहिए हम नहीं ले पाए। अब एक नया युग शुरू हो रहा है, हरित युग, ग्रीन एरा। भारत के पास बहुत संभावनाएं हैं इसका नेतृत्व करने की, और हम इसके लिए आने वाले दिनों में ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो, ग्रीन एनर्जी हो, या ग्रीन जॉब्स हो, या ग्रीन मोबिलिटी हो, इन सारे विषयों को हम इतनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि इस हरित युग का नेतृत्व दुनिया में भारत का सामर्थ्य सिद्ध कर दें, ये हम चाहते हैं। साथियों, इसी सिलसिले में इस 5 जून को जब पर्यावरण दिवस था, 4 जून को नतीजे आ गए थे, तो उसी दिन मेरे मन में एक विचार आया कि कार्यक्रम 5 जून को हमने आरंभ किया, एक पेड़ मां के नाम, हर किसी को मां के प्रति श्रद्धा होती है। और मैं भी देशवासियों को कहूंगा कि आने वाले समय में कभी आपकी माताजी का जन्मदिन हो, क्या कोई और शुभ दिन हो, अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाइए, और मां जीवित है तो साथ लेकर जाइए, उनकी फोटो आप सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए, और मां नहीं है तो उनकी फोटो रख करके एक पेड़ लगाइए, और वो अपनी मां का भी सम्मान होगा और धरती मां की सेवा होगी। हम इन दो माताओं की सेवा करें। साथियों, एनडीए अब भारत आइसोलेशन में नहीं जी सकता, वैश्विक परिवेश में भारत की भूमिका दिनों दिन बहुत बढ़ती चली जा रही है। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, पूरे विश्व में उसी एक पल से ही एक नया जिज्ञासा पैदा हुई, थोड़ी आशा के संकेत उनको नजर आने लगे, और फिर उस बदलाव बहुत बड़ा तेजी से आया। और पिछले 10 वर्ष में भारत ने जिन कामों को बढ़ लिया है, आज भारत की छवि विश्व बंधु की बन चुकी है। दोस्तों, विश्व हमें एक बंधु के रूप में स्वीकार कर रहा है, और जब दुनिया हमें विश्व बंधु के रूप में स्वीकारती है, तो हमारी वैश्विक जिम्मेवारियों को भी हमने हमारे आने वाले रोड मैप में महत्व देना ही होगा। और भारत की सफल विदेश नीति ने अच्छे परिणाम भी दिए हैं। हमने हर संकट को उस प्रकार से हैंडल किया जिस प्रकार से मानवीय मूल्यों को हमने प्राथमिकता दी, उसका परिणाम है
कि सामान्य मानवी के मन में ये विश्व बंधु वाला भाव बहुत मजबूत हुआ और भारत का सेवा भाव का जो कैरेक्टर है उसको विश्व ने पहचाना है। चाहे यूक्रेन का संकट हो, चाहे अफगानिस्तान का संकट हो, हर हमारे लोगों को बचाना हो, हमने किसी भी में हमने कोई कमी नहीं रखी है। और साथियों, ये क्षमता के कारण भारत में निवेश की संभावनाएं बहुत बढ़ने वाली है। मैं राज्यों से भी कहूंगा कि आप प्रगतिशील नीतियां बनाकर रेडी रहिए। विश्व आज आपके आंगन पे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और जो राज्य ज्यादा स्पष्ट नीतियों के साथ आएगा, जो राज्य उन कंपनियां विदेश जाने वाले लोगों को ठीक से हैंडल करेगा उसको बेनिफिट मिलने ही वाला है। और भारत ने जो नीतियां बनाई है, भारत ने जो वातावरण बनाया है, उसका लाभ भारत के हर राज्य को मिलना चाहिए और उस दिशा में हम तेजी से काम करना चाहते हैं। साथियों, हमने G20 समिट में देखा है, दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। जो लोग इन चीजों को माइन्यूटली देखते होंगे उनको पता होगा कि G20 एक प्रकार से कई संकटों से गुजर रहा था। उतार चढ़ाव आते रहते थे, बिखराव भी नजर आ रहा था, लेकिन भारत में G20 आने के बाद नए प्राण से भर गया है, नया सामर्थ्य आ गया है। और ये भारत की ताकत है कि उसने पूरे विश्व को जोड़ने में G20 के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है। और उसके इन दिनों भी जो परिणाम आए उसके बाद, मेरा काफी समय विदेश के सरकारों से फोन अभिनंदन स्वीकार करने में गया। और शायद मैं जैसे 14 में 19 में भी ऐसा अनुभव नहीं था जितना इस बार फ्लो है। दुनिया के करीब करीब अब नाम ले उसने भारत को शुभेच्छा व्यक्त की है या बात करने की कोशिश की है, यानी ये वैश्विक जो हमारा ताकत है उसका परिचय करवा रहा है। और उसके कारण मैं मानता हूं कि विश्व में हमारा सम्मान और साथ साथ भारत में निवेश, ये दोनों संभावनाएं बढ़ रही है। साथियों, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। हम चाहते हैं कि संविधान हमारी संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण भर इसके मात्र के लिए है, ऐसा नहीं कोई अदालत में धाराओं का उपयोग करके काम करने के लिए नहीं है। ये एक हमारी भावना है, हमारा स्पिरिट है। और हमें इस 75 साल को ऐसे मनाना है ताकि हम संविधान के स्पिरिट को जन जन तक पहुंचाएं, हर जन को संविधान की जो भावना है, कर्तव्य की भावना है, अनेक बात ऐसे इस बात है, उन सब प्रति समर्पण उसका बढ़े, उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष के उत्सव में देश आज रंगा हुआ है और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है क्योंकि उसमें राष्ट्र प्रथम की भावना है। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते ही राष्ट्र प्रथम की भावना हमें मजबूती देती है और इसलिए हम देश में इसी एजेंडा को आगे रखते हुए, और जब इसी समय 350 साल का पर्व आया है तो हम